युवराज सिंह भारत के एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 2020 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ एक ही ओवर में 6 गेंदों में 6 छक्के मारकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ ही उन्होंने 2020 में 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वहीं आपको बता दें कि साल 2011 में वर्ल्ड कप में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था। वहीं इस बीच युवराज सिंह ने एक और कारनामा किया था जो कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का 13वां मैच था। 13वां मैच शनिवार को इंडियन लेजेंड्स और दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स के बीच खेला गया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स ने दक्षिण अफ्रीका लेजेंड को 56 रनों से रौंद दिया। वहीं इंडिया लेजेंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 204 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका लेजेंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 148 ही रन बना सकी। इंडिया लेजेंड के लिए यूसुफ पठान ने 3 और युवराज सिंह ने 2 विकेट झटके। वहीं विनय कुमार और प्रज्ञान ओझा को एक एक सफलता मिली। इससे पहले इंडिया लेजेंड्स की टीम के लिए सचिन तेंदुलकर ने 37 गेंदों पर 60 रन बनाए। उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं युवराज सिंह ने 22 गेंदों पर नाबाद 52 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 6 छक्के और 2 चौके लगाए। वहीं युवराज ने 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। उन्होंने जेंडर डी बॉयन के ओवर में लगातार 4 छक्के भी चढ़े। वहीं बद्रीनाथ ने 34 गेंदों पर 42 रन बनाए। इस दौरान 4 चौके और 2 छक्के लगाए। यूसुफ पठान ने 10 गेंदों पर 23 रन बनाए। उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं सहवाग ने 6 और मनप्रीत गोनी ने नाबाद 16 रन बनाए।